मोदी सरकार ने 2018-19 के अपने आम बजट में महत्वाकांक्षी मोदी केयर स्कीम की घोषणा की थी। जेटली ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम करार देते हुए कहा था कि इससे कम से कम 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को लागू करने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि संसाधन बर्बाद करने वाली इस योजना में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होगा। बजट से पहले ही केंद्र सरकार को निशाने पर लेने वाली ममता बनर्जी के विरोधी सुर बजट आने के बाद और ज्यादा मुखर हो गए हैं। किसानों के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर की गई घोषणाओं को जुमला करार दिया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को ही मानने से इनकार कर दिया। ओबामा केयर की तर्ज पर बनी मोदी केयर के नाम से मशहूर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने वाली इस योजना को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी गाढ़ी मेहनत से जुटाए गए संसाधनों को इस कार्यक्रम में लगाकर बर्बाद नहीं करेगी। राज्य के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लेकर आई है जिसमें 40% फंड राज्यों को देना होगा। सवाल उठता है कि राज्य सरकारें एक और कार्यक्रम के लिए पैसा क्यों खर्च करें जब उनके पास पहले से ही ऐसा कार्यक्रम है। राज्य के पास संसाधन होगा तो वह अपनी योजना चलाएगा। ममता ने कहा कि बंगाल में तो उनकी सरकार ने अस्पताल में इलाज को पहले से ही मुफ्त कर रखा है, फिर हम अपने पैसे क्यों बर्बाद करें। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए ममता ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है। राज्य का पैसा लेकर ही केंद्र सरकार लोगों को सुविधा दे रही है और नाम अपना कर रही है। इस योजना में हम शामिल नहीं होंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।